खेसारी लाल यादव और विनय बिहारी के बीच की कंट्रोवर्सी दिनों दिन तेज होती जा रही है, लेकिन अपना कोई बड़ा प्रारूप पकड़ने वाली है। इस बार खेसारी लाल यादव को शेर का सवा शेर मिला है। जी हाँ, हर बार खेसारी लाल यादव की कंट्रोवर्सी भले होती है और उसमें 20 हमेशा खेसारी लाल यादव रहते हैं और सामने वाला जो उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी करता है वो 19 हो जाता है। जो भी खेसारी के खिलाफ बोलता है उसकी बोलती बंद की जाती है, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव ने जो टावर वाला बयान दिया है उससे इस कदर फंस गए हैं कि वो जितना बोल रहे हैं उलट विनय बिहारी उन पर उतने ही आरोप लगा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि विनय बिहारी ने उन्हें स्टेज शो के पैसे नहीं दिए, जबकि विनय बिहारी ने यहाँ खेसारी की ही पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें पूरा बकायदा पैसा दिया था, लेकिन खेसारी लाल यादव की जिद थी कि वो स्टेज शो तभी करने आएंगे जब उनकी पार्टनर काजल राघवानी स्टेज शो में आएंगी, अदरवाइज उन्हें उस पैसे में से काजल राघवानी को पैसा देना पड़ेगा। काजल राघवानी को उस स्टेज शो के लिए 1,00,000 रुपए मिलने थे। खैर, काजल राघवानी भी आई, लेकिन जब वो स्टेज शो हुआ, खेसारी लाल यादव स्टेज पे पहुंचे, उन्होंने 3 गाने गाए। ये सारा कुछ कहना विनय बिहारी का है। उतने में ही दर्शकों के बीच भगदड़ मच गई, या यूं कह ले कि ज्यादातर खेसारी के स्टेज शो में ये होता ही है कि वहाँ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि खेसारी को अपना स्टेज शो छोड़कर जाना पड़ता है। और उस स्टेज शो में खेसारी के 3 गाने के बाद काजल राघवानी की एंट्री होनी थी। 3 गाने में ही स्टेज शो में इतनी भगदड़ मच गई, वहां मौजूद एक आदमी की मौत हो गई, 2 अपाहिज हो गए और काजल राघवानी की तो एंट्री ही नहीं हुई। अब विनय बिहारी का कहना है कि जब काजल राघवानी की एंट्री ही नहीं हुई तो उनके पैसे कैसे। कुल ले देकर सौदा 4,00,000 में पक्का हुआ था, जिसमें 3,00,000 उनको दे दिया गया है, 1,00,000 बाकी है, सो वो भी उन्हें मिल जाएगा अगर वो मांगेंगे तो, क्योंकि ये सारे पैसे तो चंदे के पैसे थे। यहाँ विनय बिहारी का ये भी कहना है कि खेसारी लाल यादव जैसा इंसान कभी मुफ्त में स्टेज शो नहीं कर सकता, वो दिखावे कर सकते हैं। यहाँ खेसारी लाल यादव पर उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोलते हैं, 1 नंबर के लवरे इंसान है। विनय बिहारी ने तो इस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को अनलकी तक कह दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कई स्टेज शो करवाए, जैसे पवन सिंह के, रितेश पांडे के, भरत शर्मा के, लेकिन कभी कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेसारी लाल यादव को इनवाइट किया स्टेज शो करने के लिए, वहां 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 व्यक्ति जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। और जो दुर्व्यवस्था फैली उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हमें जान बचाकर भागने की नौबत आ गई। अब विनय बिहारी की ये सारी बातें सुनकर लग रहा है कि खेसारी लाल यादव को इस बार कोई मिला है मुंह तोड़ जवाब देने वाला। हाँ, लेकिन इस बार की कंट्रोवर्सी खेसारी लाल यादव के गले की हड्डी जरूर बन जाएगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।